चैनल। तो आज मैं जो लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो है बर्थडे पार्टी मेकअप, और आपके लिए मैं ये स्पेशली लेकर आई हूँ कि मैं इसे अफोर्डेबल प्राइस में अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ कैसे कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लींस कर लेती हूँ, जो कि CTM होता है, CTM यानी क्लींजिंग टोनर एंड मॉइस्चराइजर। इसलिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ आयुर का क्लींजिंग मिल्क। तो मैं इससे अपना फेस को क्लींस करूँगी। आप इस तरह की कोई भी पैलेट ले सकते हैं, प्लेट्स, आपको ऐसे कोई भी प्लेट लेनी है और उस पर ये क्रीमी मिल्क या मॉइस्चराइजर जो भी लगाना है आप उस पर लेकर फिर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये मैंने क्लींस कर लिया है। तो ये मैंने भी आयुर का ही टोनर लिया है, देख सकते हैं आप। टोनर गाइज लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपके स्किन के अंदर ना जा सके कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट। तो टोनर मैंने लगा लिया है, अब मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर ये मेरा है सीटाफिल का, देख सकते हैं आप, ये सीटाफिल का मॉइस्चराइजर है। मेरी स्किन अच्छे से प्रेप हो चुकी है, देख सकते हैं। अब मैं यूज करूंगी प्राइमर। ये मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है, बहुत ज्यादा निकल गया, आपको ये थोड़ा सा ही लेना है। और आपके जहां ब्लैक पड़ जाता है वहां पे जरूर लगाना। तो ये मैंने प्राइमर लगा लिया है, अब मैं यूज करूंगी करेक्टर। तो ये मेरे पास कुछ एले का करेक्टर है प्रो, क्योंकि ये इसका यूज कब कब होता है मैं आपको जरूर इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगी सारे करेक्टर्स की, कंसीलर्स की। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जितने भी ब्लैक हेड्स होते हैं जहाँ पे आपका ब्लैक पड़ जाता है कलर को करेक्ट करने के लिए, यानी मेरी यहाँ पे स्किन थोड़ी फेयर है, यहाँ डार्क है, यहाँ थोड़ी डार्क है, यहाँ फेयर है, तो उसको इवन टोन करने के लिए फिर इसको यूज किया जाता है। और याद रखिए, इसे ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है, आपको सिर्फ डैब डैब करना है हल्का हल्का, ताकि वो बैठ जाए वहां पे। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइस, ये मैंने कर लिया है मिक्स। अब आपको क्या करना है, अपनी स्किन से एक टोन डार्क फाउंडेशन लेना है या अपनी स्किन टोन का ही लेना है, उससे लाइट मत लेना। अगर उससे लाइट लेंगे आप तो आपका ये ग्रीन पड़ जाएगा, जब भी आप मेकअप कर लेंगे, प्रॉपर मेकअप कर लेंगे। तो इससे पहले आप क्या करना है, आपको स्किन या तो आपकी स्किन का कलर का होना चाहिए, जैसे मेरी स्किन डस्की है तो मैं अपनी स्किन के हिसाब से दूंगी फाउंडेशन को। तो मैं एक टोन डार्क ले लेती हूँ, तो ये मैं टॉफी ले रही हूँ मैं फिट मे का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो शुरू करती हूँ मैं। ये मैंने ले लिया है फाउंडेशन,
तो जहां मैंने करेक्टर लगाया मैं उसको वहीं यूज करूंगी। अगर आपको इसके शेड्स जानने हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो ये मैंने कर लिया है, मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। मैंने ये स्पंज लिया है, तो गाइज आप देख सकते हैं मेरी स्किन बिल्कुल इवन टोन लग रही है, कहीं भी कोई डार्क नहीं है। इससे क्या होता है, आपकी स्किन इवन हो जाती है। लग रही है आपको इवन? कमेंट में जरूर मुझे बताना। अब मैं क्या करूंगी, अपनी स्किन के जो मेरे यहाँ की स्किन है नेक की, मैं उसी कलर का फाउंडेशन यहाँ अप्लाई करूंगी। तो चेक करने के लिए आप कैसे यूज देख सकते हैं, ये मैं मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन ले रही हूँ, देख सकते हैं। मैंने दो शेड लिए हैं, आइवरी और बेज। तो अपने स्किन टोन बनाने के लिए मैं इन दोनों को मिक्स करके यूज करूंगी। और आपको फाउंडेशन देखना कैसे कि आपकी स्किन का है या नहीं, यहां पे देख लेना, थोड़ा लाइट दिख रहा है आपको। अगर फेस काला पड़ता है आपका फाउंडेशन लगा के, तो आप क्या करना, एक शेड टू शेड लाइट करना। मेरे स्किन थोड़ा काला पड़ जाता है फाउंडेशन लगाकर, तो मैं इसलिए अपनी टू स्किन लाइट फाउंडेशन ले रही हूं। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो ये मैंने कंसीलर यूज कर लिया है, मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। तो ये ब्लेंड हो चुका है, अब मैं क्या करूंगी, जहां पर मैंने कंसीलर यूज किया था लाइट, मैं वहां पर बनाना पाउडर यूज करूंगी, क्योंकि डेस्किन के लिए बनाना पाउडर यूज होता है। तो मेरे पास ये बनाना मार्स का पाउडर है, बनाना पाउडर। ये तो बोले बाबा मंगी मैं। तो गाइस कुछ देर बाद ये आपको बिल्कुल इनविजिबल लगेगा, मैंने ये आईज के नीचे इसलिए छोड़ दिया है, इसे मैं इस बाद में हटाऊंगी, 10 मिनट छोड़ देती हूँ। अब मैं आई मेकअप कर लेती हूँ। तो आई मेकअप करने के लिए या मैं पहले ब्लश लगा लेती हूँ, उसके बाद आई मेकअप करते हैं, ठीक है। मेकअप ज्यादा हैवी नहीं होता है बर्थडे पार्टी के लिए। तो मैं सबसे पहले यूज कर लेती हूँ ब्लश। ये मेरा ब्लश हो चुका है, अब मैं कॉन्टोर यूज कर लूंगी। ये कॉन्टोर मैंने एले कलर का लिया है, हाईलाइट एंड कॉन्टोर पैलेट। तो मैं अपनी स्किन को पहले कंट्रोल कर लेती हूँ। मैं हैवी कंट्रोल कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा फेस काफी चबी है।
माथा काफी छोटा है तो मैं माथे पे नहीं कर रही हूँ गाइस, अपने फोरहेड पे उतना। मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से, हल्का सा नोज पे करती हूँ। तो ये कंटूर हो चुका है गाइस। तो अब मैं आई मेकअप कर लेती हूँ, हाइलाइटर बाद में यूज करेंगे। तो आई मेकअप के लिए मैं सबसे पहले कंसीलर यूज कर रही हूँ। तो ये ब्लेंड हो चुका है, इसे मैं अपने ट्रांसलूट वाइट पाउडर से मैं इसे टीज को, यानी आपको कोई भी पाउडर लेना है वाइट या बनाना तो बिल्कुल भी मत लगाना, वाइट ही लेना ताकि आपका लॉक हो सके आई जहाँ पे आपके क्रीज पड़ती हैं। तो मैंने ये यूज कर लिया है। ये मैंने ब्यूटी ग्लेस की पैलेट ली है, तो मैं इसमें से ब्राउन शेड लेती हूँ या येलो शेड भी ले सकती हूँ। ओके, ऑरेंज शेड लेते हैं सबसे पहले। तो वैसे मुझे यहाँ पे ब्राउन शेड ही लेना है क्योंकि सबसे पहले आपको लाइट ब्राउन शेड ही लेना चाहिए। तो मैं इसमें से देख सकते हैं आप, सबसे लाइट वाला ब्राउन लेती हूँ यहाँ पे जो है, जो मैट में है मैट। तो ये मैं क्रीज में यूज कर लेती हूँ। तो मैंने ये यूज कर लिया है। अब गाइस मैं ऑरेंज यूज करूंगी। पहले मैं अपने ब्रश को जो भी कलर लगा हुआ है उसको साफ कर लेती हूँ, नहीं तो ये इसी कलर का आ जाएगा। अब मैं यहां से ये ऑरेंज कलर का ले रही हूं। थोड़ी मैं हेलो आई क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूं राउंड शेप में। तो ये मेरी हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी कि जो भी मैंने ब्राउन कलर का क्रीज बनाने के लिए ब्रश लिया था, मैं उसको ही इसके ऊपर थोड़ा ब्लेंड करूंगी। ये रहा, आपको लेना नहीं है, आपको उसी से ब्लेंड करना है ताकि क्रीज निखर के आए और ब्लेंड अच्छे से हो। तो गाइस ये ब्लेंड अच्छे से हो चुका है। अब मैं ग्लिटर ले रही हूँ। यहाँ पे जो ये थोड़ा शाइन सा है ऑरेंज के नीचे, मैं वही वाला ग्लिटर ले रही हूँ। तो ये मैंने ग्लिटर यूज कर लिया है। अब मैं ये थोड़ा शार्प ग्लिटर लूंगी। ये नाइट लुक के लिए बहुत ही अच्छा है। तो गाइस जहां एक्स्ट्रा ग्लिटर लगा है वहां मैं ब्लेंड कर लेती हूँ।
और जितना भी एक्सेस पाउडर था नीचे, अभी तो नहीं हटाना आपको। आपको क्या करना है कि पहले आई मेकअप जरूर कर लेना। मैं मस्कारा यूज कर लेती हूँ। तो मैंने ये यूज़ कर लिया है मस्कारा। अब मैं अपने आईब्रो सेट कर लेती हूँ। आईब्रो सेट करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ये लिया है पैलेट, और मैं थोड़ा ये ब्राउन और ब्लैक मिक्स करके कर रही हूँ। तो गाइज ये आईब्रो मैंने फिल कर ली है। अब मैं लाइनर यूज कर लेती हूँ। तो लाइनर मैंने यूज़ कर लिया है गाइस। अब मैं काजल यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरे पास नायका का काजल है, बहुत ही अच्छा काजल है ये भी। तो गाइज मैंने यूज कर लिया है। तो मैं थोड़ा अंडर आई, नीचे आईज की तरफ मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ। जिस कलर से मैंने ये ऑरेंज शेड लिया था, पहले मैं जितना पाउडर है नीचे, मैं सारा एक्सेस पाउडर है उसको हटा लेती हूँ, जिससे आपका जितना भी ग्लिटर गिरा होगा वो सब हट जाएगा। तो अब मैं जो भी मेरे पास ये ऑरेंज कलर का था, जो भी मैंने जैसे यूज़ किया था अपने आईज का क्रिएट करने के लिए, मैं उसी से ब्लेंड कर लेती हूँ नीचे साइड। देख सकते हैं आप, हल्का हल्का ब्लेंड हो चुका है। मैं एक बार मस्कारा फिर से यूज़ कर लेती हूँ। तो गाइज ये मेरा फाइनल लुक हो चुका है। अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ और लिपस्टिक यूज़ करना है। लिपस्टिक के लिए मैं क्या करती हूँ, ये मैंने स्विस ब्यूटी की लिप पैलेट लिप लाइनर लिया है, तो मैं इसी को ये मैंने स्विस ब्यूटी के लिए पैलेट ली है, और मैं इसमें से शेड यूज कर लेती हूँ। लाइट शेड यूज करूंगी गाइस, मैं ब्राउन शेड यूज कर लेती हूँ। तो ये लिपस्टिक मैंने यूज़ कर ली है, देख सकते हैं आप कितनी फ्लॉलेस लग रही है। मैंने ये वाला शेड लिया है। फाइनली अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये मैंने हाइलाइटर लिया है कलर लुक का, ये मैंने मार्केट से परचेज किया था, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है कभी कभी मार्केट से, तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। गाइज आपको ये व्हाइट वाला नहीं लेना, ये डार्क शेड लेनी है,